एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं से लेकर कोरिया में वैकुंठपुर और शिवपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। शिवपुर नगर पालिका से वार्ड नंबर 8 से एससीसीएल के सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस निर्वाचन की नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी कर्मचारी हेमसागर को प्रत्याशी बनाया गया, जिसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। अनुराग सिंहदेव ने कहा, चुनाव आयोग कांग्रेस को शो कास्ट नोटिस जारी करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आयोग घोषित करें। दोषी अधिकारी जो प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति दिए हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग कार्रवाई करे। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिकंदर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम तैयारियां जो है कर ली गई है, इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, इस मामले को लेकर क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, आपको बता दूं, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा दो नगरीय निकाय चुनाव में हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी तरह से जिस तरह से वार्ड नंबर 8 से एक एसएससीएल कर्मचारी को प्रत्याशी बनाने को लेकर के चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग से अनुराग सिंह देव और भाजपा के नेताओं ने शिकायत की, और शिकायत के बाद उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी शर्त भी रखी है कि तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो हेम सागर है, जो एसएससीएल कर्मचारी है जिनको वार्ड नंबर 8 प्रत्याशी बनाया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल सिकंदर, एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, लेकिन आगे की क्या कुछ कार्रवाई की गई या फिर की जाएगी? देखिए, आपको बता दूं, चूंकि भाजपा लगातार आपको बता दूं नगरीय निकाय चुनाव में किसी भी तरह से कोई भी ऐसा मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती है जो मौके आ रहे हैं। देखिए, अगर विभाजन की बात किया जाए तो विभाजन को लेकर के भाजपा लगातार कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर आक्रामक नजर आ रही है। दूसरी ओर शिवपुर चर्चा के वार्ड नंबर 8 से एक एसएससीएल कर्मचारी को प्रत्याशी बनाने को लेकर के यहाँ भी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव लगातार कोरिया में डेरा डाले हुए हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के कांग्रेस पर लगातार हमले करते हुए यहाँ नजर आ रही है, तो किसी भी तरह का जो मौका है वो कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ गंवाना नहीं चाहती है, जिसको लेकर के अनुराग सिंह देव ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सड़क पर अगर भाजपा जो है प्रदर्शन करेगी। जी बिल्कुल सिकंदर, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है और ऐसे में दोनों पार्टी जो है अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रही, तैयारियां कर रही है, लेकिन अगर जनता की मूड की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर जनता का क्या मूड है, कोई भाप सकता है फिलहाल? देखिए, अगर जनता की मूड की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों पार्टी दमखम से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो लगातार मंत्रियों का जमावड़ा जो है, कांग्रेस के जो मंत्री है वो जमावड़ा लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आ चुके हैं, शिव कुमार डहरिया आ चुके हैं और अंबिका सिंहदेव अब खुद मैदान में उतर चुकी है। और अगर बात किया जाए, बैकुंठपुर विधानसभा की विधायक और संसदीय सचिव भी अंबिका सिंहदेव भी खुद मैदान में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितने भी पूर्व मंत्री हैं, अगर हम बात किया सरगुजा संभाग के आसपास जो पूर्व विधायक है भाजपा के या पूर्व मंत्री हैं, वो लगातार बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में नजरें बनाए हुए रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है अपनी जीत का दावा कर रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका सिकंदर बहुत बहुत शुक्रिया।